बिकॉज वीकेंड का टाइम ना समर में ही घूमने। अब हम सबने सारे ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो समर ड्रेसेस। बिकॉज समर में आता है वीकेंड का सीजन, तो वीकेंड में हम लोग जाते हैं घूमने, एंड घूमने जाते टाइम ना हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है कि समर है तो हम लोग क्या पहने ताकि हमारे बॉडी को भी कंफर्टेबल हो, एंड उसका मटेरियल से लेके क्वालिटी भी हमें A+ चाहिए होती है। सो डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए ना इतने सारे ड्रेसेस आपसे शेयर करने वाली हूँ कि प्राइस रेंज काफी चीप है, आप इजीली ले सकते हो। मटेरियल क्वालिटी वाइज कैसा है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा गला थोड़ा सा खराब है एंड मेरी तबीयत भी थोड़ी सी वीक है, सो मेरा आवाज में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा शायद आपको। सो प्लीज गाइस, एडजस्ट कर लेना। सो या फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो मैंने परचेज किया था ना वो था ये वाला, मतलब देखते ना मुझे पसंद आ गया था, तो फटाक से देखते कि मुझे कैसा सा दिखती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे शॉक लगाना कुछ इसका तो ये कि मीशो के कपड़े में ना टैग लगा हुआ मिला है, मतलब लिटरली पहली बार ना मुझे मीशो से ऐसे कुछ टैग वगैरह लगे हुए कपड़े मिले हैं। सो लुक एट द फ्रंट साइज। फ्रंट में आपको इस टाइप के कॉलर मिल जाएंगे, स्लीव आपको इतनी सी मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आगे की साइड ना आपको दो पॉकेट भी मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे जो बटन्स लगे हुए हैं ना वो खोलने वाले बटन्स है, एंड पीछे की साइड ना पूरा इस टाइप से प्लेन है, एंड यहाँ इसमें ना आपको एक बेल्ट भी मिल जाएगी आगे की साइड लगाने के लिए, एंड लिटरली पहनने के बाद ना इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा था। इसके मटेरियल की तो इसका फेब्रिक मटेरियल ना बहुत अच्छा है, स्टिचिंग वाइज भी बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। सो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, जितना पे किया है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया था ना वो था ये वाला। मैंने ना सभी को ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है बिकॉज मुझे देखना था कि कैसा रिसीव हुआ है, कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ है ना, इसीलिए तो फटाफट से खोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, इसका फ्रंट आप देख सकते हो। फ्रंट में ना आपको कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पॉम पॉम लगे हुए मिलेंगे, यहाँ की साइड ना बीच में लेस का वर्क किया हुआ है, एंड ऑल ओवर आगे एंड पीछे दोनों ही साइड आपको ना प्रिंट मिल जाएगी, एंड इतनी सी आपको कुछ स्लीव मिलेगी, स्लीव आपको काफी अच्छी मिल रही है, यहाँ पे एक लेस का वर्क मिल जाएगा आपको, यहाँ से चूली का पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना वहां पे उसका गेयर कुछ इतना सा है, मेरी पूरी फ्रेम में भी नहीं आ रहा, एंड लिटरली इसको देख के ना समर समर की वाइब आ रही है। सो अगर आप गोवा गोवा जा रहे हैं ना घूमने के लिए तो इसका आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, बिकॉज इसका जो फैब्रिक मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा एंड स्मूथ सा है, बिल्कुल भी आपको खाने वाला मटेरियल नहीं मिल रहा है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत पसंद आई। सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया था वो था ये वाला। सो लिटरली इसको देखते ही ना मुझे सबसे पहले लगा था कि ये मैंने क्या मंगवाया, बिकॉज इसमें मुझे रिसीव हुआ था रेड कलर, एंड मैं ना रेड कलर बहुत ही कम पहनती हूँ एंड परचेज भी बहुत ही कम करती हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी थी। लुक एट द फ्रंट, इसका फ्रंट इतना ज्यादा अच्छा एंड इतना खूबसूरत मिला है ना, मैं क्या बताऊँ। लोग स्लीवलेस नहीं पहनते हैं ना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, बट मुझे ना पर्सनली बहुत पसंद आया है, एंड पीछे की साइड से ना यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगा फिटिंग के लिए, एंड यहाँ पे बीच में ना ब्रेस्ट के नीचे भी आपको एक इलास्टिक मिल जाएगा फिटिंग के लिए, इसका नीचे का पार्ट ना कुछ ऐसा सा, यहाँ से ना आपको एक अच्छा सा गियर भी मिल जाएगा। मेरी पूरी फ्रेम में ना सेट नहीं हो रहा इसका गियर, बट लिटरली सच कहूँ तो पहनने के बाद ना बहुत अच्छा एंड कम्फर्टेबल सा लग रहा था। इसका फेब्रिक है कॉटन का, स्टिचिंग वगैरह भी काफी अच्छी है, पहनने के बाद ना इसका लुक भी बहुत अच्छा रहता। आप गोवा जाओ या आउट ऑफ कंट्री घूमने जाओ आप पहन सकते हो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था वो था ये वाला, एंड मुझे ना वेबसाइट पे देखते बहुत अच्छा लगा था, सो फटाफट से इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया था, एंड अगेन इसमें भी ना मुझे टैग मिला है, एंड आगे की साइड ना आप देख सकते हो कि इसका जो नेक है वो कितना ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, कलरफुल से ना इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो काफी उभर के दिख रही है व्हाइट कलर की फैब्रिक में, एंड बहुत अच्छी भी लग रही है। एंड लुक एट द स्लीव्स का, स्लीव का पार्ट ना मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ की साइड ना आपको मतलब
कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, प्लस यहाँ पे रबर मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है, लोकल सी क्वालिटी नहीं है। एंड बैक साइड में ना आपको पूरा प्लेन मिलेगा, एंड आगे की साइड ना जहाँ से चोली का पार्ट स्टार्ट होता है वहां से भी पूरा प्लेन ही है। आगे की साइड अपने आप पे छोटे छोटे से पॉम्पम लगे हुए मिलेंगे। ये फैब्रिक मटेरियलाइज बहुत अच्छा है, ए प्लस क्वालिटी है, बट ये ना मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लगा है। अगर आपको ये लेना है तो आपको इसके अंदर स्प्रेगेडी या इनर वगैरह लेना पड़ेगा, बिकॉज गर्मी में अगर जाओगे ना तो धूप में तो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा ही दिखेगा। क्वालिटी वाइज में ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया था वो था ये वाला, लग रहा है ना उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ड्रेस के साथ एक बेल्ट भी मिल रही है, जो बेल्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, यहाँ पे एक बक्कल भी मिल जाएगा, देन अगेन उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, पॉलिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। सो बेल्ट तो बहुत अच्छी मिल रही है, देखते हैं कि ये ड्रेस कैसा रिसीव हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, इसका जो नेक है ना वो आपको कॉलर का मिल जाएगा, यहाँ पे जो बटन्स मिल रहे हैं आपको वो खोलने वाले बटन्स है, एंड लुक एट द स्लीव, स्लीव भी काफी अच्छी आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको एक रबर मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी ओके सी है, ना ही लोकल है ना ही एकदम अच्छी वाली है, ओके सी है। ब्रेस्ट के नीचे की साइड आपको इलास्टिक मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड नीचे की साइड ना आपको कुछ इतना सा घेर मिल जाएगा, घेर नॉर्मल है, ज्यादा घेर नहीं मिलेगा आपको। एंड इसके अंदर अस्तर भी लगा हुआ है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है। एंड बीच में लगाने के लिए ना आपको बीच में लगाने के लिए बेल्ट मिला है ना, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, आपको स्पेस भी दे रखा है बेल्ट लगाने के लिए। एंड लिटरली जितना मैंने पे किया है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही पसंद आया है। इस टाइप के ना आप वीकेंड पे जाने के लिए घूमने के लिए आप ले सकते हो, बिकॉज समरी समरी से वाइब प्रोवाइड करता है। सो मुझे ना इस टाइप के ड्रेस बहुत पसंद आते हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया था वो था ये वाला, येलो कलर का मैंने परचेज किया था, एंड येलो कलर में बहुत ही कम परचेज करती हूँ, बट इस बार ना मुझे देखते ही पता नहीं कि पसंद आ गया तो मैंने इसको ले लिया। एंड लुक एट द फ्रंट, फ्रंट में ना आपको कुछ ऐसा सा नेक मिल जाएगा, राउंड शेप ही है। स्लीव के नाम पे आपको स्ट्रीप मिल रही है, अगेन मैं यही कहूंगी कि अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हो तो उन लोगों के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। फुल ओवर ना फुल ड्रेस पे ऐसा सा ही प्रिंट है आगे एंड पीछे की साइड, यहाँ से चुली का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसका घेर आप देख सकते हो। लिटरली इसको पहनने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। सो इसका जो फैब्रिक है ना वो है कॉटन का, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप आंख बंद करके ले सकते हो, एंड एकदम सॉफ्ट सा एंड मुट्ठी भर का फैब्रिक है इसका। मुझे पर्सनली इसका फैब्रिक ना बहुत पसंद आया, पे किया है ना उसके अकॉर्डिंग जो चीज हमें मिल रही है ना वो बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था ना वो था ये वाला, लग रहा है ना सुंदर, के सामने यही पहन के आई हूं, आप इसका लुक देख सकते हो कि कैसा सा आ रहा है। तो इसका नेक जो है ना वो राउंड ही मिलेगा, यहाँ आगे की साइड छोटी सी डोर मिल रही है, एंड लुक एट द स्लीव कुछ इतने तक है, यहाँ पे आपको एक इलास्टिक मिल जाएगा, इलास्टिक की क्वालिटी ए प्लस है। चोली का पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, इसके नीचे से जो लुक आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है। इसका फुल लुक मैं साइड में स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, एंड बैक साइड में ना यहाँ पे आपको बेल्ट मिलेगी लगाने के लिए, ताकि आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको बेंड कर पाओ। एंड लिटरली मुझे ना बहुत पसंद आया है ये वाला ड्रेस, इसीलिए मैं ना जिसको वेयर करके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो फैब्रिक मटेरियल भी बहुत अच्छा है, एंड इसमें भी आपको अस्तर मिल रहा है जो मुझे बहुत पसंद आया है, एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ पाएंगे। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था वो था ये वाला, आई नो थोड़ा सा हैवी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द इसका नेक कुछ ऐसा सा है, एंड यहाँ पे आपको अगेन स्ट्रिप ही मिलेगी, एंड यहाँ से जो चोली का पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना OMG, इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा प्यारा सा, इतना ज्यादा प्रीटी सा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड इसके अंदर आपको ना अस्तर भी मिल रहा है जो काफी अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड यहाँ की साइड से जो आपको फेब्रिक मिल रहा है ना वो है झिरझट का, एंड इसके ऊपर जो वर्क आपको दिख रहा है ना वो है सिक्वेंस का वर्क, जो बहुत अच्छा लग रहा है। सिक्वेंस के आसपास इसने थ्रेड भी कर रखा है, एंड लिटरली मुझे ये वाला ड्रेस ना बहुत पसंद आया है। नीचे आपको एक बॉटम भी मिल रहा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है,
एंड लुक एट द बॉटम का घेर, ये पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। बॉटम में भी ना आपको अंदर अस्तर मिल रहा है, जो मुझे काफी अच्छी चीज लगी है। इसी के साथ ना आपको दुपट्टा भी मिलेगा, जिसमें ये रहेगा आगे का लुक यहाँ से। एंड दुपट्टा ना कुछ ऐसा सा, आजकल ना ऐसे दुपट्टे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ऐसा, मुझे वो भी ना काफी अच्छा लग रहा है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। सो अगर कोई भी फंक्शन में जाना है ना, तो आप इस टाइप के ड्रेसेस ले सकते हो, बहुत अच्छा है। एंड लिटरल जितना पे किया ना उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। ओके गाइस, दैट फॉर इट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द मेरे गिव अवे का रिजल्ट भी आने वाला है, तो आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट कीजिए एंड विनर बनिए। सो ओके गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।